चलो खा ले, गरम गरम खाना है। पानी यहाँ रख दूँ? हाँ बेटा यहाँ रख दो, चलो तुम भी हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। फवाद ये तो फवाद का इंतजार नहीं कर रहा। मेरे रास्ते में है, वो कहता कि बस मैं पहुंचने वाला हूँ, आप तो शुरू करें ना। लो आ गया है वो। मुझे घंटी क्यों बजा रहा है? इसके पास चाबी होती है। लगता है आज घर ही भूल के चला गया। बेटा जरा जाके गेट खोल दो। उससे क्यों कह रही हो? मेहमान है, मैं खोल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं उन्हें दरवाजे पे ही सरप्राइज दूंगी। अच्छा चलें, आप तो लेना, डालें सालन आप, मैं डाल दूं। अरे आ गए बच्चे को शुरू करते हैं। वो बुरका बना है। हेलो, क्या हाल है? कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम कब आए? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आपको तो मुझसे मिलने का ख्याल ही नहीं आया। हाँ वो मसरूफ था बहुत, इसलिए। क्या छोड़े, मैं और अम्मी आए थे एक दो दफा, पर आंटी भी आई। नहीं नहीं सिर्फ मैं आई, आपके पास रहूंगी। मेरा मतलब है आप लोगों के पास रहूंगी, बहुत सारे दिन के लिए आई हूँ मैं। और आपको भी अपनी मसरूफियत से ना थोड़ा टाइम निकालना है, इतने अरसे की कसर जो पूरी करनी है। अब आप यहाँ क्या खड़े हैं? आए ना, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तुम भी वैसे पेंडू हो, सॉरी लेकिन कोरमे के साथ सलाद ही बना लो। मैंने नहीं बनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा लगा तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त से मिलकर? दोस्त? दोस्ती तो मेरी मारिया से कभी नहीं हुई। हाँ तो आप सारे गेम्स में इतनी चीटिंग करते थे, मैं क्यों आपसे दोस्ती करती? अच्छा भाई चलो, अब लड़ाई की जरूरत नहीं है। कोरमा बनाया तुम्हारी माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए, जबरदस्त लग रहा है शक्ल से। अम्मा केवड़ा तो नहीं डाला इसमें? बेटा थोड़ा सा तो डाला है जायके के लिए और खुशबू भी। हाँ मतलब कैसे खुशबू के लिए? मैं मुंह धो के आता हूँ, अभी हॉस्पिटल से आया। बेटा जल्दी आ जाना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आओ ना बेटा बैठो। चलो भाई मेहमान हूँ इसलिए तुम शुरू करो पहले। नहीं, मैं तो फवाद के साथ ही खाऊंगी। हाँ भाई हमारे साथ तुम क्यों खाना खाओगी? फवाद जो आ गया है। कोई मुनासिब सी गोटी डाल दो ना। अच्छा भाई क्या हो गया है, तो आप में सबर नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं आपको बचपन से नहीं जानती साहब? मैं क्या करूं, कजन है मेरी और वो बचपन से ही ऐसी है। इसने तो माँ बेटी से दूर भागता हूँ। दूर तो नहीं भागे, वो तो बहुत करीब थी आपके। नवाज तुमसे ज्यादा करीब तो नहीं थी, अब ऐसी बातें करोगी तुम? क्यों ना करूं, आखिर मेरा भी दिल है। और सच बताऊं तो मोहब्बत में शराकत कोई मखलूक बर्दाश्त नहीं करती साहिब। कोई शराकतदारी नहीं है ना ही मुझे उससे कोई मोहब्बत मोहब्बत है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी वो मेरी खाला की बेटी लेकिन मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत कोई जगह नहीं और ना कभी हो सकती है, कभी नहीं। अच्छा अम्मा बुला रही हैं, बहुत शोर मचाएंगी, मैं उनकी बात सुनूं, रात में मिलती हूँ। रात को? अब मेरा मतलब है कुछ देर बाद, एक दो घंटे। दिलनवाज रिश्तेदार है मेरे, उनसे जान छुड़ाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, फिर बहाना बना के निकलूंगा। और तुम अपने कमरे में इंतजार करोगी मेरा, बहनों के पास ना चली जाना ठीक है? इधर देखो नवाज, आई लव यू। थोड़ी देर में आता हूँ।
अच्छा हुआ साहब जो मेहमान नवाजी की इजाजत दे दी। मारिया बीबी आपसे तो रात में मुलाकात होगी। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा वक्त है। कितना वक्त है देखें, अगर वो खुश नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में मेरी बड़ी बहन के सिवा कोई भी नहीं। कुदरत के फैसलों के आगे हम बिल्कुल बेबस होते हैं। आपकी बड़ी बहन को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा वक्त है। कितना वक्त है देखें, अगर वो खुश नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। I'm sorry. आप थोड़ा हिम्मत से काम लें। हॉस्पिटल तो एक बार उसे देख लेना यार। ठीक है बाजी, मुझे नींद आ रही है अम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ। आज मारिया अपने हाथों से चाय बना रही है, इतने प्यार से बना रही है, तो पी के जाओ। अम्मा मैं रात को चाय पीता हूँ। कोई बात नहीं, आज चाय पी लो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। तो पी लो बैठ जाओ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ऐसी चाय आपने कभी ढाबे पे भी नहीं पी होगी। अच्छा मुझे बगैर चीनी के देना भाई। बिल्कुल, आपकी बगैर चीनी की चाय। और अंधी आपको कितने चम्मच चीनी? 1 चम्मच बेटा। ये लीजिए अंधी आपकी चाय। लव, थैंक यू। और फवाद आपको? नो शुक्र, थैंक यू। ये कैसे हुआ? अरे बेटा तुम्हारे हाथ पे गरम छींट तो नहीं गिरी ना चाय की? नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे आंटी? मेरा ख्याल है तुम्हारा हाथ लग गया होगा बेटा, वरना कैसे उलट सकता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी दिल ही नहीं था चाय पीने का, चलता हूँ। थोड़ी देर बैठ तो जाओ हमारे पास। फवाद थोड़ी देर बैठ जाए ना, वैसे भी आपने सुबह हॉस्पिटल चले जाना है। ओवर द वीकेंड आई प्रॉमिस, बहुत सारी बातें करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? खुश अम्मा, अब मैं चला जाऊं सोने, आपकी इजाजत है? आंटी कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं बर्तन समेटती। नहीं नहीं आप रहने दें, जब तक मैं इस घर में हूँ सारे काम मैं करूँगी। अच्छा चलो चाय तो पी लो बैठ के। नहीं अंकल मेरा मूड नहीं है।